देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फाइव अपॉन टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट साइन एक्स प्लस एट, रेंज चाहिए। देखो साइन में क्वाड्रेटिक है ऊपर भी नीचे भी, तो क्या करें, अगर हम इसको वाई बराबर ले लें तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फाइव डिवाइड बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट साइन एक्स प्लस एट, ऐसे करें क्वेश्चन है। देखो एक तरीका तो ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और साइन में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, इस प्रकार का कुछ है ना, ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, इस प्रकार का कुछ बन जाएगा। फिर वहां से साइन एक्स की वैल्यू निकाल लो और उसके बाद साइन एक्स होता है माइनस वन और वन के बीच में, इसको करेंगे तो वाई मिलेगा, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा क्वेश्चन, ध्यान देना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्वेश्चन। देखो ध्यान दो, अब मैं आपको इसका एक आसान तरीका देखो बताता हूँ, ये तरीका और भी पहले क्वेश्चन में हमने लगाया है। देखो जो टर्म नीचे है वो ऊपर बनाओ, देखो नीचे टू साइन प्लस एट है यही ऊपर बनाओ, देखो कैसे बनाओगे ऊपर, इसको टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। देखो ध्यान दो, ऊपर टू से डिवाइड किया जाए और टू से किया जाए मल्टीप्लाई, ध्यान दो, टू से डिवाइड किया जाए, टू से किया जाए मल्टीप्लाई, और देखो डिवाइड बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट साइन एक्स प्लस एट, ऐसा हो गया है ना। अब देखो इसको अलग अलग कर दिया जाए, मतलब देखो ये एट टेन जो है ना टेन, इसको लिख लिया जाए एट प्लस टू, ऐसे कर दिया जाए एट प्लस टू है ना, टू से मल्टीप्लाई किया तो टेन हो गया ये, और टेन को लिख दिया एट प्लस टू, कर सकते हैं ऐसा, क्यों किया, देखो जिससे जब हम इसको अलग अलग करेंगे, देखो जैसे ये पूरा टर्म है इसको इससे अलग करें, देखो ये क्या बना, ये बना टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट साइन एक्स प्लस एट अपॉन दिस, और प्लस देखो टू बाई दिस, टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस एट साइन एक्स प्लस एट, देखो ऐसे हो गया ये अलग अलग कर दिया है ना। अब देखो दिस अपॉन दिस टू अपॉन दिस, देखो ये पूरी की पूरी दो वैल्यू सेम है तो कैंसिल होके वन हो जाएंगे, तो देखो ये क्या बन गया, वाई इक्वल टू वन बाई टू वन प्लस टू बाई दिस, टू बाई दिस के अंदर काम करो, देखो टू कॉमन ले काट दो तो बचेगा वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फोर, ध्यान दो देखो टू है इसमें से टू कॉमन ले लो और टू से टू कैंसिल कर दो। अब हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की रेंज को निकालेंगे, जो निकल आएगा आसानी से, कैसे निकालेंगे, देखो इसको भी वाई मान लिया जाए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस फोर साइन एक्स प्लस फोर, इसको वाई मान लिया जाए। अब हम क्या करें, देखो इसका रेंज चाहिए, साइन एक्स को अल्फा मान लें तो क्वेश्चन हो गया वाई बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस फोर अल्फा प्लस फोर, और अल्फा क्या है, अल्फा है माइनस वन और वन के बीच में, ध्यान दो। अब इसका ग्राफ बनाओ, मतलब कैसे ग्राफ बनाओगे, देखो इसको डिफरेंशिएट कर दो है ना, रिस्पेक्ट टू अल्फा कर दो या एक्स मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी कर सकते हैं, वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, और एक्स हो गया क्या माइनस वन और वन के बीच में। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो क्या हुआ, टू एक्स प्लस फोर, डिफरेंशिएशन को जीरो कर दो तो टू एक्स प्लस फोर बराबर जीरो, तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो, माइनस टू आएगी है ना, x की वैल्यू माइनस टू आएगी, ये x की वैल्यू माइनस टू इसमें रख दो तो y क्या आएगा, देखो प्लस का फोर माइनस का एट प्लस का फोर, तो y जीरो, देखो ये वर्टेक्स हो गया माइनस टू कॉमा जीरो, इसका वर्टेक्स आ गया पैराबोला का, ठीक है, माइनस टू कॉमा जीरो, देखो इस पैराबोला का वर्टेक्स आ गया, क्योंकि देखो इसका रेंज चाहिए था इस कंडीशन में, तो बिना ग्राफ के नहीं निकलेगा, इस फंक्शन का रेंज चाहिए था इस कंडीशन में, तो बिना ग्राफ के नहीं निकलेगा, ध्यान दो, ठीक है।
तो अब देखो ये वर्टेक्स है माइनस 2,0, तो इसका ग्राफ बनाएंगे। इसको जरा लिख लो बच्चे पहले, क्योंकि ये वाला पार्ट हमको मिटाना पड़ेगा यहां से। देखो ध्यान दो, देखो ग्राफ बनाए, देखो इस फंक्शन का माइनस 2,0 देखो वर्टेक्स है, ऐसे देखो ये ग्राफ जाएगा, ऐसे करके देखो ये माइनस 2,0 वर्टेक्स देखो इसका। और हमें देखो जो अपना वेरिएबल लेना है वो माइनस 1 और 1 के बीच में लेना है। देखो ध्यान दो, यहां हो गया माइनस 1 और देखो यहां हो गया 1, ऐसे माइनस 1 और 1 के बीच में हमें अपना वेरिएबल चाहिए। देखो जैसे अगर हम x को माइनस 1 रखें तो y क्या आएगा, 1 माइनस 4 प्लस 4, तो देखो y हो जाएगा 1। तो x बराबर माइनस 1 रखने से y हो जाएगा 1। अच्छा अगर हम x को 1 रखें तो y क्या आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 4, तो y देखो क्या आ जाएगा, 9। x को 1 रखने पर देखो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 9। ध्यान दो ठीक, हमें एक्चुअली अपना इस ग्राफ में अपना x चाहिए माइनस 1 से 1 तक। ग्राफ बनाया माइनस 2,0 वर्टेक्स से ओपनिंग, अब ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसीलिए। अब माइनस 1 से 1 तक जाना है, देखो ये रहा माइनस 1 और ये रहा 1, देखो ध्यान दो माइनस 1 से 1 तक जाना है। तो जब हम माइनस 1 से 1 तक जाएंगे तो ग्राफ का ये हिस्सा हमको दिखेगा बस, आपको माइनस 1 और 1 के बीच में रहना है बस, तो आपको ग्राफ का ये हिस्सा दिखेगा। इस हिस्से को देखें तो इस पॉइंट पर y कितना, 1 जो मिनिमम है, और इस पॉइंट पर y कितना है, 9 जो मैक्सिमम। y क्या है, 1 से 9, ध्यान दो। मतलब हम ये कह सकते हैं जो हमारा ये वाला फंक्शन है, देखो ये वाला फंक्शन, इस फंक्शन का रेंज आ गया 1 से 9 तक। मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x + 4 का रेंज क्या आ गया बोलो, 1 से लेकर के 9 तक इसका रेंज आ गया। क्योंकि x माइनस 1 से 1 जाएगा तो y की मिनिमम वैल्यू 1, मैक्सिमम 9, 1 से 9 तक देखो इसका रेंज आ गया। अब इसका रेसिप्रोकल कर दूं, तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे देखो हर तरफ पॉजिटिव है, हर तरफ पॉजिटिव है, देखो ध्यान दो। तो इसका उल्टा 1y9 इधर, इसका उल्टा देखो 1 इधर, ध्यान दो। इसका रेसिप्रोकल 1y9 यहां, इसका रेसिप्रोकल 1 यहां, देखो ये आ गया। प्लस 1 कर दो, 1 ऐड कर दो, तो अगर देखो हम 1 ऐड कर देंगे इसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 sin x + 9, तो इधर भी 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 10y9, इधर भी 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलो, 2। अब देखो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बोलो, 5y9, इधर 1/2, 1 plus 1 upon sin square x plus 4 sin x plus 9, और जब इधर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये 1 हो जाएगा। यही हमको चाहिए, देखो हमें इसी फंक्शन का रेंज चाहिए, क्या रेंज आ गया, 5y9 से 1 तक। यही देखो अपने क्वेश्चन का आंसर भी है ना, 5y9 से लेके 1 तक हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया, यही देखो अपने क्वेश्चन का आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, लिखो सब बच्चे ध्यान से, नोट करो जल्दी से इसको।